बीमार पति के इलाज के लिए पत्नी ने एसडीएम को गोवर्धन से लगाई गुहार। उत्तर प्रदेश के मथुरा में गोवर्धन की नैनू पट्टी के गांव नगला भाव निवासी लेखराज सिंह 4-5 महीने से असाध्य कैंसर जैसी बीमारी से ग्रसित हैं, जिनका इलाज कराने के लिए उनकी पत्नी ने अपनी जमीन साहूकारों को गिरवी रखते और बदले में मिला पैसा हॉस्पिटल में इलाज पर खर्च कर दिया। लेकिन फिर भी लेखराज जी ठीक नहीं हो पाए और लॉकडाउन शुरू हो गया, जिसके चलते लगातार लेखराज जी की हालत बिगड़ती चली गई और घर में अब ना इलाज के लिए है और ना ही परिवार के पालन पोषण के लिए कोई आर्थिक संचय है। आज दिनांक 20 मई 2020 को लाचार पत्नी लज्जा देवी अपने बेटे राजकुमार के साथ गोवर्धन तहसील में एसडीएम साहब को लिखित प्रार्थना पत्र, जिसमें शासन प्रशासन और मुख्यमंत्री साहब से अपने बीमार पति का इलाज करवाने के लिए मदद मांगी गई है, देने के लिए पहुंची। जान का हृदय द्रवित था और आंखों से आंसू रोके नहीं रुक रहे थे। इनकी द्रवित करने वाली व्यथा सुनकर एसडीएम साहब गोवर्धन ने त्वरित कार्यवाही करते हुए तहसीलदार साहब को लेटर जारी कर दिया और 24 घंटे के अंदर जांच इत्यादि कार्यवाही कर मुख्यमंत्री जी को लेटर पहुंचाने की बात कही गई, ताकि सही समय पर बीमार का इलाज हो सके। इस पर बीमार लेखराज जी की पत्नी लज्जा देवी बा बेटे राजकुमार ने एसडीएम साहब को धन्यवाद दिया और जल्दी से जल्दी इस कार्यवाही को अमल में लाने के लिए निवेदन किया। संपूर्ण कार्यवाही में वरिष्ठ पत्रकार मनीष नंबरदार जी, दैनिक भास्कर और गोवर्धन प्रेस क्लब अध्यक्ष परिशिक्षित कौशिक व राजेश लवानिया, वीरपाल जी, देवेंद्र सिंह और राजू कश्यप जी ने पंडित परिवार को हर संभव मदद दिलवाने का आश्वासन दिया। कि हमारी आर्थिक स्थिति को देखते हुए हमारे लिए कुछ हमारे पिताजी के लिए इलाज कराएं।